यूजीसी एक के बाद एक उच्च शिक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर रहा है। इस बार जो ऐलान हुआ है उसका लिंक पाकिस्तान से है और जो निर्देश जारी किए गए उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से अगर किसी भी स्टूडेंट ने हायर एजुकेशन की पढ़ाई की तो फिर भारत में न पढ़ने लायक रहेंगे न नौकरी पाने लायक। दरअसल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए भारतीय स्टूडेंट्स पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। अगर कोई भी भारतीय नागरिक या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के किसी डिग्री कॉलेज या शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेगा तो फिर भारत में ना तो वो कोई नौकरी पा पाएगा और ना ही हायर स्टडीज के लिए एलिजिबल रहेगा। अब चाहे पाकिस्तान से हासिल की गई उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी हो। इस नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि ऐसे माइग्रेंट्स और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन डिग्री ली है और उनके पास भारत की सिटीजनशिप है तो भारत में नौकरियों के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन MHA की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। चलिए देखते हैं UGC और AICTE ने इस फैसले के पीछे क्या कारण बताए हैं। UGC चेयरमैन M. जगदीश कुमार ने कहा कि ये नोटिस भारतीय स्टूडेंट्स जो कि बाहर उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट में ही जारी किया गया है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह भारतीय छात्रों को दिक्कतें आई क्योंकि वो वापस फॉरेन कंट्री जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वहीं AICTE के चेयरपर्सन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि भारतीय स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाना चाहिए कि किन इंस्टीट्यूशंस और देशों के लिए उन्हें ट्रैवल करना चाहिए, ये इसलिए ताकि उन्हें ऐसी डिग्री ना मिले जो भारतीय रेगुलेशन के हिसाब से समान ही नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अपने मेहनत की कमाई को ऐसी जगह पढ़कर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसकी भारत में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हमने ऐसे केसेस यूक्रेन और चीन में भी देखे हैं। यही वजह है कि एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2022 में ही UGC ने चीन में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को पड़ोसी देश द्वारा लागू कोविड संबंधित यात्रा पाबंदियों से अवगत होने की सलाह देते हुए कहा कि इसके चलते कई छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वहां नहीं लौट सके हैं। UGC ने ये भी कहा कि पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है और चीनी प्राधिकारियों ने बताया है कि पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। UGC और AICTE की इस सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि नियमों के अनुसार UGC और AICTE पूर्व अनुमति के बिना केवल ऑनलाइन माध्यमों से किए गए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देता है। दरअसल कोविड के प्रकोप के बीच चीन में भारतीय दूतावास द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को मेडिकल डिग्री में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। चीन द्वारा महामारी के बाद सभी विश्वविद्यालयों को बंद करने के बाद उनमें से ज्यादातर छात्र देश वापस आ गए थे और सख्त यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफी छात्र वापस नहीं लौट पाए थे। उन्हें चिंता है कि व्यवहारिक अनुभव की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा जारी रहने पर उनकी मेडिकल डिग्री अमान्य हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।